फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल स्टेशन। दिस इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 6 इंटीजर्स, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इज इक्वल्स टू साइन। ये भी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमें, इसमें ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इज इक्वल्स टू का साइन फिल करना है। एंड उसके लिए पहले हम इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इसका ए पार्ट, -3 प्लस करेंगे इसमें हम -6, एंड -3 माइनस करेंगे इसमें से हम -6। इन दोनों वैल्यूज को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है -3 में हम प्लस करेंगे माइनस का 6। जब हमारे पास दो इंटीजर है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है एंड उन दोनों को हमें प्लस करना है, तो सिंपल हम उन दोनों इंटीजर्स को प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा 6 + 3 इज इक्वल्स टू 9 एंड साइन लगेगा इसमें माइनस का। सो ये तो हो जाएगा -9। नाउ सेकेंड इसका -3, इसमें से हम माइनस करेंगे -6 को। अब हमें ये नंबर सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमारे पास करने के दो तरीके होते हैं। सिंपल, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, दोनों को हम माइनस कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है हमारे पास, एक -3, इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा हमारा, प्लस बन जाएगा। इसमें अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारी एक साइन की गलती हो सकती है, लेकिन अगर हम साइन चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस साइन की फिर कोई गलती नहीं होती। अब हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम उसमें माइनस करते हैं। 6 में से हम 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 3। अब क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारी प्लस की है तो साइन हमारा प्लस का ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 3 आएगा। एक नंबर हमारा -3 -9 है एंड दूसरा नंबर हमारा 3 है। इन दोनों में छोटा या बड़ा नंबर कैसे पता करेंगे? जो नंबर पॉजिटिव होगा ऑफ कोर्स वही नंबर हमारा बड़ा होगा। पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है। सो पॉजिटिव इंटीजर इस वाले का आंसर है। सो ये नंबर हमारा बड़ा होगा एंड ये नंबर हमारा छोटा होगा। नाउ नेक्स्ट इसका बी पार्ट, -21 माइनस करेंगे हम -10 एंड -31 प्लस करेंगे इसमें -11। दोनों साइड को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। इधर आएगा -21, इसमें से हमें माइनस करना है -10, तो हम दोबारा वही करेंगे। दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, ब्रैकेट ओपन होगी, ये हो जाएगा -21 प्लस करेंगे हम इसमें 10। एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे। 21 में से हम 10 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 11। अब क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो साइन आएगा यहाँ पे माइनस का, ये हो जाएगा -11। ऐसे ही अब हम इधर वाला सॉल्व करेंगे, -31 प्लस करेंगे इसमें हम -11। दोनों हमारे नेगेटिव इंटीजर है, हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो सिंपल हम प्लस कर देंगे। ये जाएगा 31 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 42 एंड साइन लगेगा इसमें माइनस का, क्योंकि दोनों हमारे नेगेटिव इंटीजर है। अब हमें -11 और -42 में से बताना है कौन सा नंबर छोटा है एंड कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा, दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो हम दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 11 होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 42 होगी। अब दो नेगेटिव इंटीजर में जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी होती है वो नंबर हमारा बड़ा होता है। दैट मीन्स कि 11 हमारा 42 से बड़ा होगा, -11 बड़ा होगा, -42 छोटा होगा। -11 किसका साइन है, इस वाले का आंसर है, तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा एंड ये वाला नंबर हमारा छोटा होगा। नाउ नेक्स्ट इसका सी पार्ट, 45 माइनस -11 एंड 57 प्लस -4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम अलग अलग। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, 45 में से हम माइनस करेंगे माइनस का 11। जब हमारे पास एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। ये दूसरा तरीका, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस। 45 प्लस 11, अब हमारे पास इसमें साइन का कोई झंझट नहीं है, हम दोनों नंबर को सिंपल प्लस कर देंगे। 45 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 56। दोनों वैल्यूज प्लस किए, आंसर हमारा प्लस में ही रहेगा। सो ये क्या हो गया, आंसर 56। नाउ नेक्स्ट इसका उधर दूसरी साइड वाला पार्ट, 57 प्लस करेंगे इसमें हम -4। यहाँ पे भी हम ब्रैकेट ऐसे ही ओपन कर सकते हैं। ये 57 है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस। तो माइनस करेंगे इसमें से हम 4। सिंपल, 57 में से हम 4 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 53।
सो ये हो जाएगा 53, बड़ी वैल्यू माइनस की आंसर हमारा, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो अब हम 56 और 53 के बीच कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, अफकोर्स 56 बड़ा है, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा। नाउ नेक्स्ट इज का डी पार्ट, -25, इसमें से हम माइनस करेंगे -42 को, एंड इधर की साइड -42 में से हमें माइनस करना है -25, एक एक साइड सॉल्व करेंगे, पहले -25 में से हम माइनस करेंगे -42, सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा -25, ब्रैकेट ओपन करा, ये माइनस माइनस बन जाएंगे हमारे +42, एक नंबर हमारा माइनस का है, एक नंबर हमारा प्लस का है, पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों को प्लस करना है, दैट मींस कि हम माइनस कर देंगे, 42 में से 25 माइनस करेंगे हम, 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 माइनस करेंगे यहाँ बचेगा 7, 3 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ बचेगा 1, सो आंसर क्या आएगा 17, बड़ी वैल्यू प्लस की आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट अब उसकी दूसरी साइड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, -42 -25, इसको भी हम ऐसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, -42 में हम 25 ऐड करेंगे, एक नंबर हमारा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों को प्लस करना है, दैट मीन्स कि हम माइनस कर देंगे, 42 में से 25 माइनस करेंगे, सेम 17 आएगा, यहाँ पे हमारी बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की है, 42 माइनस का है, 25 प्लस का है, तो साइन आएगा यहाँ पे माइनस। तो अब हम कंपेयर करेंगे, एक तरफ आया हमारा 17, दूसरी तरफ है हमारा -17, कौन सा नंबर बड़ा है, अफकोर्स जो नंबर पॉजिटिव है वही बड़ा होगा, तो 17 हमारा बड़ा होगा, ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल।